BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूर्व, डॉक्टर कॉलोनी सिवान। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। मैरवा में फ्लिपकार्ट ऑफिस से हुई लूट मामले में दो शातिर अपराधी गिरफ्तार, एवं लूटी गई रकम के साथ गिरफ्तार। मैरवा थाना क्षेत्र के गुटनी मोड़ स्थित फ्लिपकार्ट कार्यालय से हुई नोट नाटकीय ढंग से लूट मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया। यहां बताते चले कि फ्लिपकार्ट कार्यालय से नाटकीय ढंग से हुई लूट की घटना को सिवान SP श्री शैलेश कुमार सिन्हा ने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया था। अतः पुलिस कप्तान के कड़े तेवर के मद्देनजर पुलिस ने इस घटना का पट्टा शेप कर दिया। इस घटना में पुलिस ने गुटनी थाना क्षेत्र के जतौर गांव निवासी नूर हसन अंसारी उर्फ गुड्डन और दरौली थाना क्षेत्र के लहरपुरा गांव निवासी राजन सिंह को गिरफ्तार किया है, जबकि कोढ़वलिया निवासी अंकित सिंह फरार बताया जा रहा है। ज्ञात हो कि घटना के बाद SP श्री शैलेश कुमार सिन्हा के दिशा निर्देश के आलोक में एक पुलिस टीम का गठन किया गया था। गठित पुलिस टीम का नेतृत्व SDPO सदर अशोक कुमार आजाद कर रहे थे। इस टीम में मैरवा थानाध्यक्ष मनोज कुमार, दरौली थानाध्यक्ष रितेश कुमार मंडल, गुटनी थानाध्यक्ष अभिमन्यू कुमार, नौतन थानाध्यक्ष अरविंद कुमार तथा गुटनी थाना में पदस्थापित अवर निरीक्षक कुंदन कुमार पांडे शामिल थे। इन सभी पुलिस पदाधिकारियों के सहयोग से पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कांड का उद्भेदन कर लिया। इस संबंध में SP श्री शैलेश कुमार सिन्हा ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से 24,400 नकद की राशि बरामद की गई है। वहीं एक लोडेड पिस्टल और अन्य आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुआ है। उन्होंने बताया कि थाना क्षेत्र के कोढ़वलिया गांव निवासी अंकित सिंह के घर से पुलिस ने लूट की राशि बरामद की है। पुलिस उनसे लगातार पूछताछ करने में जुटी हुई थी। हालांकि इस घटना के पीछे कौन मास्टरमाइंड है, पुलिस अनुसंधान प्रभावित होने का हवाला देते हुए बताने से साफ साफ इनकार कर रही है, लेकिन पुलिस की सक्रियता से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही पुलिस इस कांड के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लेगी, ताकि अन्य इलाके में सक्रिय अपराध कर्मियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कर सलाखों के पीछे भेजा जा सके। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के साथ करें जॉब ओरिएंटेड कोर्स, बीटेक, पॉलिटेक्निक, होटल मैनेजमेंट सहित अन्य प्रोफेशनल कोर्स। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें एनराज एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, आंध्र ढाला, ओवरब्रिज के नीचे सिवान।